फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडिया का बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही ट्रेडिशनल नाश्ता, जो बना है सिर्फ एक चम्मच तेल से। इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे ये गन पाउडर यानी कि पोड़ी चटनी की भी रेसिपी बताऊँगी, जो बहुत ही झटपट बन जाती है और महीनों भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये टोटल रेसिपी जो है सिर्फ एक चम्मच ऑयल से बनी है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, इससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर देख इस बात की, इसको बना लेते हैं बिल्कुल झटपट से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप पानी और इसको मैं गर्म कर लूँगी। तो ये 1.5 कप पानी है, इस तरीके से आपको लेना है। मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक का, और इसी के साथ साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ऑयल का। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं इस तरीके से, ताकि नमक और ऑयल अच्छे से पानी में घुल जाए। तो अब हम इसको गर्म कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो पानी गर्म हो जाना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अब ये देखिए हल्का हल्का सा उबलने लग गया है ये पानी। अब हम यहाँ डालेंगे 1 कप सूजी का। तो यहाँ पे आपको बस मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है, 1.5 कप पानी और 1 कप सूजी का। अब हम इसको चला लेते हैं और एक आटे की ज़रा इसको टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आप डालेंगे आप देखेंगे ये अच्छे से फूलने लग गई है। तो इसको आपको अच्छे से मिक्स करते जाना है और ये धीरे धीरे एक आटे की जैसा टेक्सचर ले लेगी। तो ये देखिए अच्छे से ये हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड से जो चिपक गया है वो सब निकाल देती हूँ और ये इस तरीके से हो जाएगी रेडी। तो ये बिल्कुल डन हो गई है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में केवल 2 मिनट लगता है और ये देखिए इसके आटे का टेक्सचर। तो अब गैस पे से इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरीके से तोड़ देते हैं और इसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक मैं यहाँ पे इडली के सांचे तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इडली के सांचों को मैं ग्रीस कर रही हूँ। तो आप अच्छे से इसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। तो ये रेडी हो गया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैंने इसको। अब हम आते हैं इस पर। अब देखिए ये हल्की हल्की सी गर्म होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है हमने, हल्की हल्की सी इसको गर्म रहने देनी है। और इस तरीके से आटे का टेक्सचर जैसे आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लेती हूँ या आप पानी भी लगा सकते हैं और इसको अच्छे से मांड लीजिए इस तरीके से, सब एक सार कर लीजिए। और जैसे आटा होता है गूंदा हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे मांडते जाना है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 मिनट लगेगा और ये आटे की तरह पूरा बनता चला जाएगा। तो ये देखिए सॉफ्ट सा एक आटा तैयार हो गया है। इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ इस तरीके से और एक सिलिंड्रिकल शेप दे देती हूँ। तो बस हल्का हल्का सा मैंने इस तरीके से सिलेंडर वाली शेप दे दी है और इसको रख देते हैं। अब मेरे पास इस तरीके से बर्तन है। इडियपम बनाने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए होता है और एक इस तरीके की छन्नी चाहिए होगी, जो पतला पतला सा इसमें से नूडल निकाल सके। तो इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं अंदर से भी, बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैं ये लगा देती हूँ बिल्कुल, इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है मैंने। और हमने जो इस तरीके से एक बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और जो वेस्ट है वो निकाल देते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देते हैं, वो आगे के लिए काम आ जाएगा। अब इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है बनने के लिए। तो इडली के सांचे को आप इस तरीके से जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था आप ये लगा लीजिए इसमें। तो प्रेस करेंगे तो ये नूडल्स के जैसा निकल के आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसमें से निकालते जाना है और बाद में इसको हटा देना है। थोड़ा सा साइज़ जब स्टीम होता है तो थोड़ा साइज़ बढ़ता है, तो इसीलिए बस उतना ही करें जितना इसका लेवल हो। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी में भी बना सकते हैं या प्लेट में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए दोनों एकदम रेडी हो गए हैं और इसको मैं इस तरीके से सांचे में लगा लेती हूँ
अब हम इसे बिल्कुल उसी तरीके से स्टीम करेंगे जैसे इडली को देते हैं। तो ये पानी डाला और इसको इसमें रखा, ढक्कन से इसको ढक दिया और मात्र 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी। अब चलते हैं हम चटनी की तैयारी करते हैं, यानी कि गन पाउडर की। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है सफ़ेद तिल, ये देखिए ऐसे सफ़ेद तिल लिया है 2 बड़े चम्मच, और इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ध्यान रखेंगे कि कलर हल्का नहीं होना चाहिए, सिर्फ ड्राई रोस्ट ही करना है हमने इसको। तो लगभग 1 मिनट लगेगा और ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा ये फूल भी जाएगा। तो अब हम इसको एक ब्लेंडर में डाल लेते हैं। इसके साथ साथ ही मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर, और अब मैं यहाँ पे लाल मिर्ची डाल देती हूँ। तो 3 लाल मिर्ची मैंने ली हैं क्योंकि बहुत तीखी हैं। इसके साथ साथ 7 से 8 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के लिए हैं, इसको भी हम थोड़ा चटका लेते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने चने की दाल ली है, और 2 बड़े चम्मच मैंने लिए है उड़द की दाल। तो ये प्रोपोर्शन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चटनी एकदम बढ़िया सी बनेगी। तो हमें इसे अब फ्राई करना है। तो चने की दाल और उड़द की दाल बिल्कुल कच्ची है, हमें इसको अच्छे से फ्राई करना होगा ताकि ये पक जाए। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ इसमें। अभी ये अच्छे से रोस्ट हो गई है, ये देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और इसको भी हम निकाल लेते हैं उसी ब्लेंडर में ही। तो इसी तरीके से मैं सारा ही डाल देती हूँ इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी हम हल्दी डाल देते हैं, तो आधे छोटे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ हल्दी डाल दी है। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो जब आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए जो हमने ऑयल डाला था वो एकदम गायब हो गया और एकदम पाउडरी हमें यहाँ पे पाउडर मिल गया है, बढ़िया सा। हल्का सा दरदरा होगा लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई। अब देखते हैं हम इडली को। तो ये 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही अगर आप खोलेंगे तो ये इडली बहुत ही बढ़िया निकलेगी। तो ये हल्का सा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो चम्मच से मैं इसका ऐसे करके इसकी प्लेट एक निकाल लेती हूँ, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये बिल्कुल बनके रेडी हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब आप इसको अच्छे से डीमोल्ड कर पाएंगे, और ये बहुत आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल चिपकती नहीं है। और इसका टेक्सचर ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये हो गया रेडी। तो ये सूजी का बना बहुत ही कम तेल का नाश्ता, और इसके साथ साथ मैंने इसको बनाया है चटनी के साथ। तो ये चटनी आप स्टोर करके रख सकते हैं महीना भर तक के लिए, और ऊपर से 1 चम्मच अगर आप नारियल का तेल डाल देंगे तो इसमें सोने का सुहागा हो जाएगा। तो ये रेसिपी तो मेरी बनके तैयार हो गई एकदम बढ़िया सी। तो अब इसको ट्राई भी कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये देखिए इडली एकदम बढ़िया नूडल इडली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये स्ट्रिंग हॉपर्स हैं, या नूडल इडली कह लीजिए या इसको कह लीजिए इडियाप्पम। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो आप नाश्ते में कभी भी बना के खा सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।